आज बन्ना किचन में बन रहा है बेसन की सब्जी, वो भी बेसन की कतरी नए तरीके से। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, और वो भी दो कटोरी बेसन से बनाएंगे। तो ये है सामग्री, जीरा, मरीच, एक फूटी लहसुन और 4 से 5 हरा मिर्चा। तो इसको हम पीस लेंगे और एक बाउल में 2 कटोरी बेसन डालेंगे, और जितना बेसन रहेगा उसके 2 गुना हम इसमें पानी यूज करेंगे। तो जो हमने मसाले पीसे हैं उसको इसमें डाल देंगे, और इसमें 1 कटोरी पानी पहले डालेंगे, और जो जार में मसाले लगे हैं उसमें पानी डाल करके डाल देंगे कि मसाले इसमें सब आ जाएं। तो ये 2 कटोरी हमने पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो इसका वेटर चेक कर लेंगे कि कैसा है। तो ये अभी गाढ़ा है, और इसमें फिर से हम 1 कटोरी और पानी यूज करेंगे। तो इसमें हमने पूरे 4 कटोरी पानी यूज किए हैं, जिस कटोरी से हमने बेसन नापे हैं उसी कटोरी से हमने 4 कटोरी पानी यूज किए हैं। तो इसका बेटर तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस के तरफ। एक पैन में 1 चम्मच सरसों तेल डालेंगे, और उसमें थोड़े से जीरा डालेंगे और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ज़रूरी नहीं है डालना, अगर हो तो आप डालें। और उसके बाद इसमें जो बेटर हमने तैयार किए हैं उसे इसमें डाल देंगे, और डाल करके इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे, क्योंकि बेसन है अगर छोड़ देंगे चलाना तो कहीं कहीं गाढ़ा हो जाएगा, कहीं कहीं पानी जैसा हो गया। इस एक बराबर इसका बेटर बने और पके, इससे इसके लिए लगातार इसको चलाना है, और ये नीचे पैन में जले ना। तो इसको लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे, देखिए कितना ये गाढ़ा हो गया है, और इसको अच्छे से और पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाता है तब इसके जो कतरी बनती है बहुत अच्छा बनता है, और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो गट्टे वाली आप सब्जी खाई होंगी तो उससे भी बहुत ये अच्छा और स्वादिष्ट ये बनता है। तो हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि एक बार इसे आप बनाएं। तो ये बेटर बन गया है, अच्छे से पक गया है। तो इसको कतरी बनाने के लिए एक थाली में सरसों तेल लगा करके ब्रश की सहायता से तेल को फैला लेंगे, और उसके बाद इस बेटर को इसमें डाल देंगे, और इसे गर्म ही थाली में फैलाना है ताकि अच्छे से ये फैल जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आकार और शेप में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से हम थाली में फैला दिए हैं, और इसको पंखे के नीचे रख देंगे कि ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब चलते हैं इसके ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी के लिए हमने ये सरसों, डरा हुआ सरसों है, और लहसुन और हरा मिर्चा, और इसमें हम पिसे हुए मसाले डाल देंगे ताकि इसी में मिक्स हो जाए। और ये अपने तीखापन के अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। तो इसका हमने बेटर तैयार कर लिया है मसाले का। तो एक पैन में 1 चम्मच सरसों ऑयल डालेंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है, और इसमें हम फूरन के लिए मेथी दाना यूज किए हैं, क्योंकि सरसों की जब सब्जी बनती है तो उसमें मेथी दाने के फूरन से बहुत अच्छा उसका स्वाद आता है। तो जब मेथी दाने हो जाएं, जल जाएं, तब जाके इसमें मसाले डाल के इसको भुनेंगे। तो और ये जो बेसन हमने पका करके थाली में फैलाए थे ये ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम कतरी के शेप में काटेंगे। आपके जो पसंद में आए कतरी के शेप में काटना या बर्फ़ी के शेप में, तो आप उसे अपने मनपसंद के अनुसार इसमें कट लगा सकती हैं। तो हमने इसे चौकोर आकार में इसमें को कट लगाए हैं, और बहुत अच्छा बना है। तो देखिए बहुत अच्छा और स्पंज बना है, और देखने में भी कितना अच्छा है। और इसे आप नाश्ते के साथ भी यूज कर सकती हैं,
अगर सुबह के समय ये बने तो चाय के साथ बहुत इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो हम तो जब भी बनाते हैं तो सुबह में नाश्ते के लिए भी हो जाता है। तो इसके मसाले जो हैं वो भून रहा है और एक तरफ ये बर्फी भी रेडी हो गया बेसन का, तो हम इसे चाय के साथ सर्व करेंगे और बाकी जो बचा है हम उसे ग्रेवी में डालेंगे। आप चाहें तो इसे पैन में थोड़ा सा तेल डाल करके इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा हल्का भून करके इसे चाय के साथ लेंगे नाश्ते के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये मसाले भी भून गए हैं तो अब इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली भी होती है, थोड़ी गाढ़ी भी होती है, तो अपने मनपसंद के अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और जो कतरी बनाए हैं बेसन के उसमें नमक है, तो जो ग्रेवी है उसके अनुसार ही नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और नमक डाल करके इसको ढक देंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा। 2 मिनट में इसमें उबाल आ गया है तो फिर लिड को हटा करके इसमें 1 चम्मच गरम मसाला यूज करेंगे। तो हमने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला यूज किया है और फिर इसको भी 1 मिनट लिड लगा करके 1 मिनट इसको पकाएंगे ताकि ये मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तो 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें बेसन की जो कतरी बनाए हैं उसे डाल देंगे। तो एक चीज़ बनाने से 2 चीज़ बन गया, सुबह का नाश्ता और दोपहर का ये सब्जी जिसे आप रोटी चावल या नान के साथ खा सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे कब बना रही हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जब आप इसे बनाएंगे खाएंगे तब इसके स्वाद को पता चलेगा। और ये गट्टे की सब्ज़ी जो बनती है वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो हमेशा 10-12 दिन पे ज़रूर एक बार बन जाता है, क्योंकि नाश्ते में भी खाने को मिल जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर बताएं कि ये सब्ज़ी कैसा बना है, इसका स्वाद कैसा बना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये बन गया है, तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। जो लोग मछली खाते हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये मछली के स्वाद जैसा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और Instagram को भी फॉलो करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।